स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीशान अहमद में। और आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वेप इन सी टू एक्सेप्ट नेचुरल नंबर बाय यूजिंग डू वाइल लूप। ओके, यहाँ पे डू छूट गया है। डू वाइल लूप का यूज़ करके हमें नेचुरल नंबर को क्या करना है, प्रिंट कराना है पुट स्क्रीन पे। ओके, तो उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो हैशटैग इंक्लूड स्टीरियो डॉट स्टेट, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन एंड कर्ली ब्रेसेस, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। और यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर के तौर पे ए इनिशियलाइज़ किया है। और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन आउटपुट क्लियर करने के लिए हम लोगों ने सी एल आर एस सी आर दिया, सेमीकोलन दिया, फिर डू लूप लगाया हम लोगों ने। डू लूप में कर्ली ब्रेसेस प्रिंटफ हम लोगों ने किया नेचुरल नंबर्स। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर टाइप है तो परसेंट डी स्लैश एन क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमें उसको भेजना है। आप स्लैश एन नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ए, और उसके बाद हम लोगों ने ए प्लस प्लस, यानी ए पहले इनिशियलाइज होगा उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा। यानी पहले ए का वैल्यू अगर वन हम लिखते हैं तो नेचुरल नंबर वन होगा, उसके बाद नेचुरल नंबर दो होगा क्योंकि ए प्लस प्लस है तो एक बढ़ेगा, फिर दो में प्लस प्लस हो जाएगा तो तीन हो जाएगा, तो एक एक बढ़ता जाएगा। और उसके बाद वाइल लूप हम लगाते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू 10 और करली सेमी कॉलन देते हैं। यहाँ पे वाइल लूप में सेमी कॉलन देना ज़रूरी है क्योंकि विदाउट सेमी कॉलन ये प्रोग्राम क्या करेगा, रन नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है इस प्रोग्राम को रन करके। तो देख सकते हैं हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन पे नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के लिए हमारे इस चैनल जीशान अहमद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।